नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और ये आपके वीडियो के आंसर की लेके आया हूँ मैं, और इसमें डिस्कस नहीं करूँगा कैसे है, डायरेक्ट आंसर ही हैं। चलिए करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, महोदार्य में कौन सी संधि है? इसमें आपकी वृद्धि संधि। फिर अगला प्रश्न है आपका, वह वाक्य जिसमें मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। अगला है, सिफारिश किस प्रकार का शब्द है? यह फारसी का शब्द है। फिर है, खूटी केवल बछड़ा कूदे, यह है कि अपने बल को बढ़ाकर भय दिखाना। पांचवा प्रश्न आपका, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ इसे कहते हैं वीर प्रसु। अगला है, फिर निम्नलिखित में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला है आपका प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर सात, निम्नलिखित में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग उपयुक्त हैं? तो इसका आंसर है समालोचना, ऑप्शन नंबर डी। अर्क है आपके सूर्य का पर्यायवाची। फिर अगला है, मेरे विचार के मन में अचानक आया, तो अचानक इसमें क्या है, क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। फिर आपका वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास व री आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, खाली री का चेक करना था आपने। फिर है टिप्पण, टिप्पण के कितने प्रकार होते हैं? वैसे मुख्य तो तीन प्रकार होते हैं। फिर आगे चलिए, ऑप्शन नंबर बीस का सही है। फिर है बारवां, निम्नलिखित में से पशु शब्द का विशेषण है, जो पशु शब्द का विशेषण है पाश्विक है, ये ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न है आपका, गौधुली किसे कहते हैं? गौधुली शाम को जब गायें चर के आती हैं उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों में अल्प प्राण यानी कि 1 3 5, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर श्रृंगार आप चेक कर लीजिए कैसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर विसर्ग का प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में। फिर है आपका प्रश्न नंबर 17, यह सच है, यह आपकी मनु भंडारी जी की पोयम है, ऑप्शन नंबर सी। परिमिति, परिमिति यानी कि आपका दायरा यानी कि मर्यादा, ऑप्शन नंबर सी। वह आदमी विश्वासी है, इसमें यह क्या है, यह आपका सर्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है? यह है रसीला, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते आगे प्रश्न के लिए। प्रश्न नंबर 21 है, देहरादून में गढ़वाली नामक पत्रिका, ये 1905 से शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला है, चटगांव कांड में शहीद महिला, यह है प्रीतिलता वाडीदार, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन ये शुरू किया गया था 1951 में, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है? यह आग्नेय इग्नेशियस रॉक, ऑप्शन नंबर ए सही है। वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए 7 और 3 10 होता है, तो यहाँ पे कितना जोड़ोगे, 7 के साथ ये आ जाए 24, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है 17। चचमामा संबंधित है आपके सिंध घाटी से। फिर आपका गरीबी और अकाल पुस्तक अमर्त्य सेन की है। अगला है, किस पर्व को हेंगसांग ने मोक्ष पर्व कहा था? कुंभ को कहा था, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर आपका नियम है, श्रेणी की पहचान कीजिए, आप इसे हल करोगे तो गैप का चेक करना, यह है ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। फिर चंद शासकों ने कौन सा किला बनाया था? इसने सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, उपयुक्त सभी। लाल मंडी का किला तो है जहाँ प्रद्युमन शाह का बेटा भी रहा था कुछ टाइम तक। फिर अगला है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, तो जो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी 1975 से हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गर्म स्रोत, गर्म स्रोत यमुना नदी, ऑप्शन डी सही है। फिर कुमाऊं के चौथे लुसिंगटन थे जो कमिश्नर थे। फिर है, दक्षिण भारत का एक शानदार और ऐतिहासिक केंद्र हम्पी दक्षिण राज्य की राजधानी हुआ करता था, यथा विजयनगर की राजधानी। फिर है, विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर हरिया थी, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी या बैरन है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, ये कौन बताता है? लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ? उत्तर कुरु के रूप में हुआ था। फिर है, 1923 में टी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई थी, यह सभा की स्थापना किसने की थी? यह की थी नरेंद्र शाह ने, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अक्टूबर 2007 ईस्वी से जून 2009 तक उत्तराखंड के राज्यपाल कौन रहे? तो उस समय जो रहे थे बीएल जोशी जी थे हमारे, ऑप्शन नंबर डी, बीएल जोशी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर है, रोड को हम 18 15 14 लिखते हैं, तो डोर को आपको खाली ये चेक करना है, ओ को क्या बोलते हैं, ओ को बोलते हैं 15, तो देखिए इसमें देखिए 15 दोबारा आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर अगला है कि जो आईटीबीटी का पार्क है वो कहाँ है? वो पंतनगर में, ऑप्शन नंबर सी सही है।
44 में उत्तराखंड में कंडवा क्या है? कंडवा एक आभूषण है, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर केदारनाथ की रावली है और तमिलनाडु से आते हैं। फिर नेक्स्ट आपका उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित नदियों की लंबाई, तो देखिए लंबाई सबसे बड़ी है काली नदी, तो यानी कि सबसे लास्ट माना चाहिए दो, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न है आपका, भारत के निम्न पतनों का उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा? जो 47वां प्रश्न है उसका आंसर है सी, विशाखापट्टनम, मंगलूर, चेन्नई और तुतिकोरिन। 48वां प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में स्त्री व पुरुष को समानता दी गई है? 14 और 15, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड को कोबल ताल, सभी को पता है लगभग ये उत्तराखंड में पड़ा हो, उसमें पड़ा होगा परीक्षावाणी में आपने, फाचकंडी ताल है। यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो दिसंबर 2001 सप्ताह का सोमवार ही होगा, क्योंकि देखिए लीप ईयर नहीं है ये, अगर 4 से भाग जाता तो एक दिन बढ़ जाता, लेकिन यह सोमवार ही आएगा इसका उत्तर। 51वां प्रश्न है कि निम्न में से किस नृत्य में तलवार यूज होती है? छोलिया नृत्य मोती, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 52, आप इसे हल करोगे तो 24×24 बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। विश्व रेडियो दिवस, जो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। फिर है 54वां प्रश्न, 36 रकम और 32 कलम है चंद शासक की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। फिर है 57वां, 1927 में कांग्रेस ने पहला फैसला लिया था, लिया कि साइमन कमीशन को बहिष्कार किया जाएगा, तो जो इसका आंसर है, अंसारी जी थे उस समय जो अध्यक्षता कर रहे थे उस समय हमारी, कैंसर के इलाज के लिए जो टैक्सोल निकलता है वो धुनेर से निकलता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्तराखंड में सती प्रथा 29 में खत्म हुई थी, और गढ़वाल राइफल्स ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष मनाए थे, 12 में 87 में शुरू हुई थी ना इसके लिए। फिर है 59वां प्रश्न कि ए बी से बी के बराबर है सी डी, और ए तथा डी बी धन सी से बड़े हैं, तो कौन सा गलत है? गलत है पूछा है उसने, देखिए बी डी से बड़ा है, ये सही है इसका। फिर अगला है आपका, गुलदस्त तारिक ए कोहली, टिहरी रियासत नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आप एक चीज़ देख सकते हो, सबके सबके हैं उत्तराखंड के हैं, खाली एक यही है जिसमें मियाँ लिखा हुआ है, तो इस आंसर पे भी आप ऐसे में चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। फिल्म सूरमा, जो सूरमा बनी थी वो संदीप सिंह पे बनी थी। फिर अगला प्रश्न है, चीन में तटवर्ती में जो चक्रवात आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें टाइफून कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है 62वें का। फिर अगला प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा यानी कि गवर्नमेंट टीचर अवार्ड दो लोगों को मिला है, ये था एक पूरे उत्तराखंड से, एक अच्छा मेल और एक अच्छा फीमेल। फिर अगला है 64वां प्रश्न, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के लिए आता है Ctrl+F9। अगला प्रश्न है, 4 अक्षर के संयोजन से जब पानी में देखोगे तो उल्टा ही दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। फिर नैनीताल को 2 जनपदों में विभक्त किया, 97 में हुआ था, हमारे उत्तराखंड बनने से पहले हो चुका था। फिर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रूपचंद्र द्वारा रचित है? जो राजा रूपचंद्र द्वारा रचित है वो कौन सा? हमारा उषा रागदेह है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प भिन्न, तो ये वाली है, ये वाला प्रश्न इसे चेक कर लेना, इसका आंसर बी आ रहा है। लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारत संविधान के किसमें लिखा है? नीति निर्देश सिद्धांतों में लिखा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से यह आपका 44वें संविधान संशोधन से हुआ था। फिर गढ़वाल मोटर्स, ये देहरादून में स्थापना हुई थी, जी किसकी है? GMUIL, गढ़वाल मंडल, अब GMOU नाम से जो चल रहा है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, ये था RISAT-B थे 72वें का। फिर है, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत है? पौड़ी में, और सबसे कम हरिद्वार। 18-19 के बजट में घोषित नई योजना गोवर्धन का पूरा नाम गैलोनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च है। उत्तरांचल राज्यसभा का बजट प्रस्तुत सबसे पहले प्रकाश पंत जी ने किया था। फिर 76वां प्रश्न है आपका कि सरकार द्वारा 1949 ईस्वी में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति अध्यक्ष PC महालनोबिस ने किया था, तो इनके साथ जो दो और थे वो कौन थे? वो थे हमारे DR गाडगिल और VK RV राव, ऑप्शन नंबर बी सही है इनका। अगला प्रश्न है, सरहिंद नहर ये आपकी सतलज पे है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है, यह किस चीज़ पे? 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध करवाना, ऑप्शन नंबर डी सही है।
79 इसको हल करोगे इसका उत्तर यू आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही है। कुमाऊं के किस कमिश्नर के लिए कहा गया, न वकील न दलील, तो जो 80 है इसका आंसर क्या है, जॉर्ज विलियम ट्रेल, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी को जोड़ता है तिब्बत से, तो ये मुलिंगला दर्रा जोड़ता है। फिर 82वां प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले जिसको मिला था वो हंसामन राल थी हमारी, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111.  कुछ है यानी कि 111 किलोमीटर है। फिर पंचायत के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम लागू किया गया, तो यह किया गया था 96 से, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। सबसे छोटा राजमार्ग 72 ए है इसका, बी ऑप्शन सही है इसका। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट बना दिया गया, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ओएसएस का पूर्ण नाम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इसका, ऑप्शन नंबर ए सही है। कुमाऊं बाबर खेतीहर न्याय नीति यह कब शुरू की गई थी, इस क्वेश्चन में डाउट है, ये इसका आंसर 25 होना चाहिए वैसे पर डाउट है, इसको चेक कर लेंगे, ये डाउट में है भी छुड़ा हुआ। फिर अगला है हमारा 89वां प्रश्न, आप इसे हल करोगे, ये पहले पूछ रहा है कि देखिए ऐसा है, पहले इसने मुंह इधर किया हुआ, फिर 90 डिग्री को मोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा, तो आप जानते हो ये 45 के कोण बनते हैं। फिर उसने कहा है कि 135 वापस आया, तो 135 वापस माने यहाँ आ गया है वापस, यानी कि पश्चिम की तरफ है इसका मुंह, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार ये 1972 में शुरू हुआ था, जब वन नीति आई थी उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन यह जड़धारी जी ने किया था। अगला है नहर कटिका पेट्रोलियम ये असम में है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 में, ऑप्शन नंबर ए सही है। 94वां प्रश्न है, URL ये फाइल साइज को नहीं खोल सकता, ठीक है इसका हिस्सा नहीं है, बाकी सारा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही है। श्री गुरु राम राय जी ने जी को किस राजा ने आश्रय दिया था, फतेहपति शाह ने दिया था। अच्छा फिर अगला है, निम्न में से कौन अंतिम ऋणदाता होता है, केंद्रीय बैंक होता है सेंट्रल बैंक। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, वैसे तो 1813 का चार्टर एक्ट था पर आप जानते हो 1857 की क्रांति के बाद एक घोषणा पत्र आया था जिसमें कहा था कंपनी का अधिकार खत्म करके सारा का सारा क्राउन के अंडर चला गया, तो हो सकता है वो भी इनमें से कोई नहीं, ये भी हो सकता है, पर वैसे तो चार्टर एक्ट 1813 है। फिर है हमारा 98वां प्रश्न कि इसी एटकिंस द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों के गजेटियर ये कब प्रकाशित हुआ, ये तो 82 में प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। फिर है टीरी गढ़वाल में निर्मित डोबरा चाटी पुल की लंबाई, देखिए अगर खाली पुल की बोलो तो 440 है, अब वैसे में 742 आई थिंक 750 की हेरफेर है, पर इनमें से कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अंग्रेजों ने कैंपियन ऑफ इंडिया यह उपाधि किसको दी थी, कीर्ति शाह को दी थी। तो ये आपके 100 प्रश्न थे, आप देख लीजिएगा कैसा है कल का पेपर, आज ज़्यादा अधिकतर क्या पूछे हुए, सन पूछे हुए थे, शासकों के बारे में पूछा हुआ था, तो गुड लक, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।